आज के वीडियो में जानेंगे वाई ब्रांच फार्मूला। आठ सेंटर लाइन में 45 डिग्री में आपको अगर वाई ब्रांच बनाना हो तो उसका कटबैक कैसे निकालेंगे, कैसे मार्किंग करेंगे, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके, ताकि आप जहाँ भी वो अब फिटर फैब्रिकेटर से जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब करने में कोई परेशानी ना होगा। तो वाई ब्रांच तीन पाइपों को मीटर कटिंग करने के बाद उसको फैब्रिकेशन किया जाता है तो वाई ब्रांच बनता है। आप स्क्रीन पर पिच देख पा रहे होंगे वाई ब्रांच का, कुछ इस तरीका से वाई ब्रांच होता है। इसका अलग अलग डिग्री में बनाया जाता है। तो हम लोग आज 45 डिग्री में 168 mm पाइप के ओडी जो है, पाइप का ओडी है जो 168 mm है, उसको 45 डिग्री में वाई ब्रांच हम लोग बनाएंगे। तो उसका कटबैक कैसे निकालते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे मार्किंग करते हैं, ये पूरे अंत तक आप वीडियो देखिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से वाई ब्रांच बना सकेंगे। तो जो पाइप का ओडी है 168 mm है, तो सबसे पहले जो 168 mm है उसका हम लोग सी एफ निकालेंगे। तो सी एफ निकालने के लिए 3.142 से गुना कर लेंगे तो पाइप का सी एफ निकल जाएगा। पाइप का कोई भी पाइप का जितना भी ओडी हो उसको 3.142 से गुना करने से पाइप का सी एफ निकल जाता है। तो देखिए 168 × 3.142 तो 527.856, तो इसको हम लोग 528 लिख सकते हैं, 528 mm। ये हम लोग का पाइप का सी एफ निकल गया 528 mm। पाइप का ओडी कितना था, 168 mm था, तो उसको हम लोग सी एफ निकाल लिए 3.142 से गुना करने के बाद 528 mm। ये सी एफ क्यों निकाले, ये सी एफ इसलिए निकाले जो ये पाइप को हम लोग जब कटबैक निकलने के बाद जो मार्किंग होगा पाइप, आपको डायग्राम के जरिए समझा दे रहे हैं। ये आपको कुछ इस तरीका से पाइप आठ सेंटर लाइन में मार्किंग दिखेगा, चार इस साइड में, चार इस साइड में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो प्रत्येक सेंटर लाइन से सेंटर लाइन की दूरी जो है आपको वो निकालना होगा। तो उसके लिए हम लोग पाइप का सी एफ निकाल लिए 528। तो हमको क्या करना होगा, 528 जो है इसमें डिवाइड कर देना होगा सेंटर लाइन से। आप जितने सेंटर लाइन से बना रहे हैं, तो हम लोग 168 mm ओडी है इसलिए 8 सेंटर लाइन से बना रहे हैं। हो सकता है आपको बड़ा डाया के पाइप का वाई ब्रांच बनाना हो तो आपको 16 सेंटर लाइन, 24 सेंटर लाइन, 32 सेंटर लाइन, जैसे जैसे आपका पाइप का डाया बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सेंटर लाइन बढ़ता जाता है। तो हम लोग 8 सेंटर लाइन में बना रहे हैं तो सबसे पहले 528 में डिवाइड कर देंगे 8 से, तो कितना आया 66 mm। तो यहाँ पर 528 / 8 = 66 mm। यानी कि जब हम लोग पाइप पार्ट सेंटर लाइन में मार्किंग करेंगे तो ये सेंटर लाइन से सेंटर लाइन की दूरी 66 mm, इस सेंटर लाइन से इस सेंटर लाइन की दूरी 66 mm, इससे इससे की दूरी 66 mm और इससे इसकी दूरी 66 mm। यहाँ इससे इसकी दूरी जो रहेगा 66 mm, यानी प्रत्येक का दूरी 66 mm रहेगा। आप समझ पा रहे होंगे इसको आज सेंटर लाइन में कैसे आपको मार्किंग करना है। इसको 66 mm प्रत्येक सेंटर लाइन की दूरी रहेगा, इसको हमने यहाँ निकाल करके कैलकुलेशन कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे पाइप का ओडी 168 mm था, उसको हम लोग सी एफ निकाल लिए 528 mm। जो सी एफ निकला उसमें 8 सेंटर लाइन से हम लोग डिवाइड कर दिए तो 66 mm जो निकला, यहाँ हम लिख देते हैं सेंटर सेंटर लाइन डिस्टेंस। तो 66 mm सेंटर लाइन डिस्टेंस निकल गया। पाइप का ओडी कितना है, 168 mm है, तो 168 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाइप का हाफ ओडी निकल जाएगा, क्योंकि आगे फार्मूला में आप देखेंगे हम लोग को हाफ ओडी का साइज हमको जानना जरूरी है ताकि वो फार्मूला में हमको ज़रूरत पड़ने वाला है आगे चल कर आप देख पाएंगे। तो 168 / 2 कर लेंगे तो कितना है, 84 mm, 84 mm, ये हो गया हाफ ओडी, हाफ ओडी 84 mm, और फुल ओडी कितना है 168
8 m। तो आपको हम आगे थोड़ा ग्राफ के जरिए अब समझाते हैं। जो हम लोग कटबैक निकालने वाले हैं, ये कटबैक थोड़ा अलग टाइप का होगा, हाफ डाया में मार्किंग होने वाला है पाइप का जो है। ग्राफ के जरिए आप थोड़ा आपको समझा दें। ये देखिए ग्राफ बनाए हैं, ये पाइप का 8 सेंटर लाइन में आप मार्किंग करेंगे। यहाँ डिग्री वैल्यू हम दिखला दिए हैं। तो क्या होता है, हाफ डाया में मार्किंग होता है। हाफ डाया में मतलब यहाँ पर शॉर्ट कटबैक का फार्मूला यूज होगा, हाफ डाया में लॉन्ग कटबैक का फार्मूला यूज होगा। तो आगे हम मार्किंग करके दिखलाएंगे कैसे शॉर्ट कटबैक में मार्किंग होता है और कैसे लॉन्ग कटबैक में मार्किंग होता है। उससे पहले शॉर्ट कटबैक और लॉन्ग कटबैक का कटबैक हम लोग निकाल लेते हैं। तो कटबैक निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग को फार्मूला यूज़ करना होगा। तो हम लोग पहले लॉन्ग कटबैक निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्ट कटबैक निकालेंगे। लॉन्ग कट बैक, तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग कटबैक निकालेंगे। तो लॉन्ग कटबैक निकालने का फार्मूला होता है हाफ ओडी डिवाइडेड 10 वाई डिग्री। तो इसका है फार्मूला है हाफ ओडी डिवाइडेड 10 वाई डिग्री। तो ये वाई डिग्री क्या है, तो मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया कि हम लोग 45 डिग्री का ये वाई ब्रांच बना रहे हैं। हो सकता है आपको 30 डिग्री का बनाना हो, 60 डिग्री का बनाना हो, 75 डिग्री का बनाना हो, तो यहाँ पर आपको डिग्री देना होगा। तो कैसे हम लोग कटबैक निकालते हैं जान लीजिए। हाफ ओडी हम लोग पहले ही ऑलरेडी निकाल चुके हैं 84 mm, तो यहाँ पर 84 कर देना होगा डिवाइडेड 10 वाई डिग्री। तो यहाँ पर ब्रेकेट में हम लोग 45 कर देंगे। तो इसको हम लोग अगर कैलकुलेटर करते हैं तो हम लोग का कटबैक निकल जाएगा, लॉन्ग कटबैक का फर्स्ट कटबैक हम लोग को निकल जाएगा। तो ये देखिए 84 डिवाइडेड 10 45, तो कितना है 84 mm, 84 mm। ये हम लोग का फर्स्ट कटबैक निकला इस फार्मूला से, हाफ ओडी डिवाइडेड 10 वाई डिग्री। तो इसको हम लोग कैलकुलेटर किए तो 84 mm निकल गया। अगर हम लोग को 4 इंची का वाई ब्रांच बनाना होता तो 4 सेंटर लाइन बनाते हैं। तो ये हम लोग का कटबैक निकल गया है लॉन्ग कटबैक, इसके बाद हम लोग शॉर्ट कटबैक निकालते हैं तो 4 सेंटर लाइन में आसानी से बन जाता। मगर हम लोग को 8 सेंटर लाइन में बनाना है तो फर्स्ट कटबैक के अलावा हम लोग को सेकेंड कटबैक निकालना होगा। तो फर्स्ट कटबैक जो हम लोग को आया है कितना है, फर्स्ट कटबैक 84 mm। फर्स्ट कटबैक का डिग्री वैल्यू आप लोग को जानते ही है 90 होता है। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड कटबैक निकाल लेंगे। सेकेंड कटबैक कैसे निकालेंगे, सेकेंड कटबैक का डिग्री वैल्यू 45 हो जाएगा। 45 कैसे आया, पाइप 360 डिग्री में होता है, उसमें आपको डिवाइड कर देना होगा जितने सेंटर लाइन से बना रहे। तो हम लोग 8 से बना रहे हैं, तो देखिए 45। तो फर्स्ट कटबैक 90 डिग्री होता है, तो 90 से सेकेंड कटबैक का डिग्री वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट कटबैक जो 90 है उसमें से 45 माइनस करेंगे तो सेकेंड कटबैक का डिग्री वैल्यू निकल जाएगा। तो सेकेंड कटबैक कैसे निकालेंगे, फर्स्ट कटबैक कितना है 84 इंटू साइन 45। सेकेंड कटबैक का डिग्री वैल्यू 45 होता है, देखिए 84 इंटू साइन 45 कितना है 59.39, यानी 59 mm। तो हम लोग का लॉन्ग कटबैक का फर्स्ट कटबैक सेकेंड कटबैक निकाल लिए। अब हम लोग शॉर्ट कटबैक का हम लोग कटबैक निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम मार्किंग दे देते हैं, ये हम लोग लॉन्ग कटबैक का निकाले हैं, अब हम लोग शॉर्ट कटबैक का कटबैक निकाल लेते हैं। तो शॉर्ट कटबैक का जो फार्मूला है वो फार्मूला है, यहाँ पर हम लिख देते हैं हाफ ओडी इंटू 10 हाफ वाई डिग्री। अब देख रहे हैं लॉन्ग कटबैक का क्या था, हाफ ओडी डिवाइडेड 10 वाई डिग्री। यहाँ पर शॉर्ट कटबैक में हो गया है हाफ ओडी, यहाँ पर हाफ ओडी था, यहाँ पर इंटू हो गया, यहाँ पर डिवाइड था तो इंटू 10 है, यहाँ पर 10, यहाँ पर जो था वाई डिग्री था, यहाँ पर हाफ वाई डिग्री हो गया।
यानी कि ये फार्मूला में हम लोग जैसे वाई की जगह वाई डिग्री 45 दिए थे, तो वहाँ पर वाई 22.5 देना होगा, हाफ वाई डिग्री। तो देखिए हम लोग कैलकुलेटर करके आपको दिखला देते हैं, हाफ ओ डी कितना है 84, तो आपको 84 कर देना है इंटू 10 हाफ वाई डिग्री, तो 45 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 22.5। इसको कैलकुलेटर हम लोग कर लेते हैं, 84 इंटू 10 22.5 कितना है 34.79, यानी 35 mm। ये हम लोग का फर्स्ट कट बैक, फर्स्ट कट बैक 35 mm, फर्स्ट कट बैक का डिग्री वैल्यू 90। तो हम लोग को सेकेंड कट बैक निकालना होगा, जिस तरह इसका फर्स्ट कट बैक और सेकेंड कट बैक निकालें, तो सेकेंड कट बैक भी निकाल लेते हैं हम लोग, सेकेंड कट बैक, तो सेकेंड कट बैक का डिग्री वैल्यू यहाँ पर 45। तो सेकेंड कट बैक कैसे निकलेगा, फर्स्ट कट बैक कितना है 35 इंटू साइन, डिग्री वैल्यू कितना होगा यहाँ 45, तो हम लोग का सेकेंड कट बैक निकल जाएगा। देखिए 35 इंटू साइन 45 24.74, तो इसको हम लोग 25 mm कर लेंगे। तो इसमें फर्स्ट कट बैक और सेकेंड कट बैक दोनों निकल गया, लॉन्ग कट बैक का भी फर्स्ट कट बैक और शॉर्ट कट बैक भी निकल गया। तो वाई ब्रांच जो आप मार्किंग करेंगे, यहाँ छोटा सा ग्राफ में बता देते हैं आपको, तो वाई ब्रांच जो होगा, ये वाला जो वर्टिकल पाइप है, ये पाइप में हम लोग को दोनों साइड शॉर्ट कट बैक का फार्मूला होगा, और इस पाइप और इस पाइप में हाफ डाया में शॉर्ट कट बैक और लॉन्ग कट का फार्मूला यूज होगा। यानी कि ये जो पाइप है आपको, इसमें आपको दोनों साइड, ये जो मान लीजिए पाइप है, तो इसको सेंटर से हाफ डाया मार्किंग होगा, हाफ में शॉर्ट कट बैक का, हाफ में लॉन्ग कट बैक का। तो कैसे होगा शॉर्ट कट बैक लॉन्ग कट बैक का, तो लॉन्ग कट हम लोग का शॉर्ट कट बैक का फर्स्ट कट बैक कितना आया है 35 और सेकेंड कट बैक 25। तो यहाँ पर आपको यह राइट एंगल पाइप को कर लेना है, यहाँ से यहाँ पर 35 मार्किंग कर देना है, और सेकेंड कट बैक का जो मार्किंग आया है 45 डिग्री का, वो आपको कितना आया है 25, तो यहाँ से 25 मार्किंग करके इसको मिला लेना है। ठीक इसी तरह यहाँ पर 35 मार्किंग फर्स्ट कट बैक जितना आएगा आपको करना है, सेकेंड कट बैक का मार्किंग जो आएगा वो करना है, इसको मिला देना है, पाइप की दोनों साइड सेम इसी तरह मार्किंग कर लेना है। ये इस पाइप का मार्किंग होगा दोनों साइड शॉर्ट कट बैक, और इस वाले पाइप और इस वाले पाइप में जो आपको मार्किंग होगा, वो मार्किंग कुछ इस तरीके से रहेगा, आपको पाइप को हाफ डाया में मार्किंग कर लेना है, एक साइड आपको 90 डिग्री 45 डिग्री लॉन्ग कट बैक का फार्मूला यूज होगा, और एक साइड आपको शॉर्ट कट बैक का फार्मूला यूज होगा। लॉन्ग कट बैक का 84 और 59 आया है हम लोग का, तो लॉन्ग कट में क्या होगा, आपको यहाँ से मार्किंग करेंगे 84, मान लीजिए यहाँ पर आया 84 mm, सेकेंड कट बैक कितना आया 59, तो यहाँ से यहाँ तक 59 mm, फिर इसको आपको मिला देना है स्केल से। ठीक इसी तरह ऊपर साइड शॉर्ट कट बैक का फर्स्ट कट बैक जो मार्किंग करना है, यहाँ से यहाँ मार्किंग कर लीजिए, सेकेंड कट बैक का मार्किंग कर लीजिए और इसको भी मिला लीजिए। यानी कि इस पाइप में और इस पाइप में वाई ब्रांच के ये दोनों पाइप में क्या होगा, हाफ डायम में शॉर्ट कट बैक मार्किंग होगा, हाफ डायम में लॉन्ग कट बैक मार्किंग होगा, और इस पाइप में दोनों साइड शॉर्ट कट बैक मार्किंग होगा। आपको जब पाइप को फिटिंग करेंगे तो इस तरीका से दिखेगा, यानी कि ये शॉर्ट कट बैक, शॉर्ट कट बैक, ये लॉन्ग कट बैक। तो हाइयो आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही फिटर फैब्रिकेटर से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।